हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के बाई अफ्सरा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 की समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वीडियो का पार्ट टू और लास्ट पार्ट है अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच सिटी टू होस्ट ट्वेंटी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी सेशन राइट आंसर इज ऑप्शन बी मुंबई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स इसका हेड क्वार्टर लोजेना स्विट्जरलैंड में है इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होता है इसमें ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स की जनरल मीटिंग होती है ये भी आप याद रखिएगा और याद रखिएगा कि 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन मुंबई में होस्ट किया जाएगा Move to the next question. Who has chaired the 7th annual meeting of the Board of Governors of the New Development Bank, NDB, in the year 2022? राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिया फ्रेंड्स इंडिया की ओर से निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी यूनियन फिनांस मिनिस्टर हैं, इन्होंने चेयर किया है द सेवेंथ एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एनडीबी इन द ईयर 2022। इसकी थीम रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट फ्रेंड्स एनडीबी के बारे में देख लेंगे इसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेड क्वार्टर है शंघाई चाइना में इसके हेड प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो थ्रोएजोल ये स्टेब्लिश हुआ था फिफ्टींथ जुलाई 2014 में फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है ये या आप याद रखिएगा एनडीबी में टोटल नाइन मेंबर्स हैं जिनमें से फाइव ब्रिक्स कंट्रीज हैं और फोर न्यू मेंबर्स हैं यहाँ मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं फाइव ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील रशिया चाइना इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट एडेड एज द फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बांग्लादेश यू एंड यूरोग्वाई ज्वाइंट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन ये भी आप याद रखियेगा यहाँ आप मैप में इनकी लोकेशन देख सकते हैं बांग्लादेश यू एग्वाय एंड इजिप्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी डिड द सेवेंटी फिफ्थ सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टेकलेस राइट आंसर इज ऑप्शन डी जेनेवा 2022 की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स ये हेल्ड की गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इंडिया के सिक्स अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है इस असेंबली में ये इस असेंबली का सेवेंटी फिफ्थ सेशन है ये भी आप याद रखिएगा डब्लू एच ओ के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स डब्ल्यू एच ओ जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये फाउंड हुआ था नाइनटीन फोर्टी एट में इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके करंट में डायरेक्टर जनरल है टेट्रोस एडानम गैप्रोसिस ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट राइट आंसर इज ऑप्शन ए पीयूष गोयल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2022 के बारे में देख लेंगे ये एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट की इसकी लोकेशन रही है दावो स्विट्जरलैंड में इंडियन टीम की ओर से लीड किया है पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं इन्होंने इंडिया टीम की ओर से लीड किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स ये फाउंड हुई थी जनवरी 1971 में इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इज गोइंग टू विजिट नवंबर 2022 टू अटेंड द एशिया इंडिया का मेमोरेटिव समिट एंड द सेवेंटींथ ईस्ट एशिया समिट राइट आंसर इज ऑप्शन ए कम्बोडिया ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी की फर्स्ट फॉरेन विजिट होगी This year 2022 marks the thirtieth anniversary of Asian India relations and is being celebrated as the Asian India Friendship Year Pyadra Kega. Next question Which country hosted eighteenth Asian India Summit? Right answer is option D Brunei. एशियन इंडिया समिट 2022 के बारे में देख लेंगे ये इसका एटीन एडिशन है ये होस्ट की गई है ब्रूनई में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशियन के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स एशियन जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ये फाउंड किया गया था 1967 में इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में यहाँ मैप पर आप इनके मेंबर कंट्रीज को देख सकते हैं मलेशिया, ब्रुनई बर्मा सिंगापुर इंडोनेशिया फिलीपींस वियतनाम थाईलैंड लाओस कम्बोडिया ये टोटल टेन मेंबर्स हैं तो आप इनकी लोकेशन भी अपने माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज ट्वेल्थ बाइनियल इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया चैम 2022 ट्वेंटी टू राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू डेली डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है इन्होंने इनोग्रेट किया है ट्वेल्थ बाइनियर इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया चेम ट्वेंटी ये हेल्ड की गई है न्यू डेली में ये भी आप याद रखियेगा मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज नेशनल वीमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी केरल नेशनल विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि इनग्रेट की गई है श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड की गई थी थिरुवनंतापुरम में जो कि कैपिटल है केरल की नेक्स्ट क्वेश्चन वेर इज द सेकेंड इंडिया नोर्डिक समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेल्ड राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेनमार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे फ्रेंड्स नॉर्डिक कंट्रीज है डेनमार्क आयलैंड फिनलैंड स्वीडन एंड नॉर्वे यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं डेनमार्क आयरलैंड फिनलैंड स्वीडन एंड नॉर्वे इंडिया की ओर से प्रेसिडेंसी की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द फर्स्ट सेमिकोन इंडिया कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी टू इनग्रेटेड राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेंगलुरु फर्स्ट सेमिकोन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के बारे में देख लेंगे ये इनोग्रेट की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा इसकी एम है टू डेवलप इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी विल ऑर्गेनाइज द थर्ड दिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ काउंटरिंग फिन ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए न्यू डेली फ्रेंड्स ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो आपको याद रखना है ये इसका थर्ड एडिशन होगा ऑर्गेनाइज होगा ये न्यू दिल्ली में ऑन एटीन नवंबर इसकी एम है टू प्रोग्रेस द डिस्कशंस ऑन कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फिनासिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री होस्टेड द जी ट्वेंटी फोरन मिनिस्टर्स मीटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इंडोनेशिया जी ट्वेंटी फोरन मिनिस्टर्स मीटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बारे में देख लेंगे ये हेल्ड की गई है बाली इंडोनेशिया में इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ मोर पीसफुल स्टेबल एंड प्रोस्पेरस वर्ल्ड टूगेदर इसमें पार्टिसिपेट किया है एस जयशंकर ने जो की हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है यहाँ आप मैप में देख सकते हैं जी ट्वेंटी कंट्रीज को और यहाँ बाली इंडोनेशिया है जहाँ पर जी ट्वेंटी मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड की गई है 2022 की नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच सिटी द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट हेल्ड राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेंगलुरु इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 के बारे में देख लेंगे ये इसका फोर्थ एडिशन था इसमें डिस्कस किया गया था ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज थीम रही है इसकी लुकिंग एट एयर पॉल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस नेक्स्ट विच सिटी होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स 2022 ट्वेंटी टू राइट आंसर इज ऑप्शन ए तिरुपति जो की आंध्र प्रदेश की सिटी है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया था इनगरल सेशन को ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू दिल्ली ये फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट जो कि हेल्ड की गई है 2022 में ये हेल्ड की गई है एट एन कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ये इनग्रेट की गई है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड टेयरिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज दन ओशन समिट राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए फ्रांस वन ओशन समिट 2022 के बारे में देख लेंगे ये ऑर्गेनाइज की गई है फ्रांस के द्वारा इसमें एड्रेस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2017 में कहां पर न्यूयॉर्क में यह आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इनोग्रेटेड सेवंथ एडिशन ऑफ राइजिना डायलॉग राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ये राइजना डायलॉग का सेवंथ एडिशन था आपको याद रखना है इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू डेली में चीफ गेस्ट रहे उर्सुला वॉन देर लियान जो कि यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट हैं। ऑर्गेनाइज किया गया है ये एम ई एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसकी थीम डेरानोवा, जिसका मतलब है न्यूलैंड लैंड इम्पैश इम्पेल्ड अफ्रेंड्स राइज एन अ डायलॉग होता क्या है ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डिस्कस किए जाते हैं जियो पोलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स इश्यूज ये आपको याद रखना है ये स्टार्ट किया गया था 2016 से ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ यूएसए इंडिया टू प्लस टू मिनिस्टेरियल डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी टू प्लस टू मिनिस्टेरियल डायलॉग का ये फोर्थ एडिशन है जो कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुआ है ये हेल्ड किया गया है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है एन एस जयशंकर जी जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज इनग्रेटेड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट ट्वेंटी के बारे में देख लेंगे इसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन भी कहते हैं ये इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर तो ग्रेटर नोएडा में और फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी होस्टेड थर्टींथ फिकी ग्लोबल स्किल्स समिट ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यू डेली फिकी ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 के बारे में देख लेंगे ये होस्ट की गई है न्यू दिल्ली में ये इनोग्रेट की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो कि हमारे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं विक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 की थीम रही है एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट आई टू यू टू वर्चुअल समिट फ्रॉम इंडिया राइट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी आई टू यू टू जिसकी मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया इसराइल यू एंड यू एस जिसे वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जाता है इसकी एम है टू एनकरेज ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट इन सिक्स एरियाज फर्स्ट वाटर सेकेंड एनर्जी थर्ड ट्रांसपोर्टेशन फोर्थ स्पेस फिफ्थ हेल्थ एंड सिक्स फूड सिक्योरिटी यू ने अनाउंस किया है टू इन्वेस्ट टू बिलियन डॉलर टू डेवलप फूड पार्क इन इंडिया ये भी आप याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की कैपिटल है याद रखिएगा मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में देख लेंगे तो ये इसका फोर्टी एट एडिशन था इसका वेन्यू था इस्लामाबाद जो की पाकिस्तान में है इसमें डिस्कशन हुई है इशूज ऑफ कम्बेटिक इस्लामोफोबिया इंटरनेशनल टेरोरिज्म एंड इंक्रीजिंग कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक कल्चरल सोशल ह्यूमेनिटेरियंस एंड साइंटिफिक फील्ड यू एन जनरल असेंबली ने डिकलेयर किया है फिफ्टी मार्च को एज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बेट इस्लामो फोबिया ये भी आप याद रखियेगा ओ oh, आई सी जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोपरेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबर कंट्रीज है फिफ्टी सेवन मेंबर स्टेट और इसके सेक्रेटरी जनरल है हिसन ब्राहिम ताहा फ्रेंड्स ये जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा और फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग